हेलो दोस्तों, और फिर से स्वागत है हमारे ज्ञानप्रिय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन 10th और बीएससी वालों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब निकल के आ गई है, जिसमें लगभग लगभग आप लोगों को 34 से 35 हज़ार सैलरी स्टार्टिंग में मिल जाएगी। दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरू से अंत तक देखते रहिए वीडियो को। मैं इस वीडियो में पूरी फुल स्टेप में बताने वाला हूँ, डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं उसका नोटिस पे, और जहाँ पे हम लोग को सारे डिटेल मिल जाएंगे। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है नोटिस है, जहाँ पे ऊपर में हेडिंग पे ही देखिए लिखा हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल जम्मू। तो ये रिक्वायरमेंट जो निकल के आई है जम्मू के तरफ से निकल के आई है। इसका मेल आईडी दिया गया है, यहाँ पे फोन नंबर दिया गया है, ये सबसे हेल्प ले सकते हैं कॉल करके। एडवर्टाइजमेंट नोटिस दिया गया है 3rd of 2020 दिया गया है। डेट दिया गया है 16/3/2020। ये जो जॉब रहेगा ये एग्रीमेंट के आधार से रहेगा, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए यूटी ऑफ जेके एंड फॉर एग्रीमेंट ऑन एकेडमिक एग्रीमेंट बेसिस पे रहेगा ये चीज। नीचे जो वैकेंसी के बारे में दिया गया है क्या क्या वैकेंसी निकल के आ जाती है, जिसमें से पहला सीरियल नंबर में दिया गया है स्टाफ नर्स सीनियर के लिए, उसके बाद ग्रेड नर्स सीनियर के लिए लेवल 6 के आधार से सैलरी रहेगा 45 वैकेंसी दिया गया है। जूनियर स्टाफ नर्स और ग्रेड नर्स के लिए दोनों ही के लिए लेवल 4 के आधार से सैलरी रहेगा जो यहाँ पे दिया गया है 75 टोटल वैकेंसी। ANM के लिए दिया गया है लेकिन लेवल 2 के आधार से 10 वैकेंसी दिया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 12 पास मंगा गया है पहला वाला के लिए विथ BSc के साथ में, दूसरा वाला दिया गया है 12 या तो फिर क्वालिफिकेशन विथ डिप्लोमा, या तो फिर जो थर्ड वाला है उसके लिए मेट्रिक मांगा गया है। इसको अप्लाई करने का जो डेट है वो रिसीव्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म WEF year 19/3/20 दिया गया है 19/3/2020। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रिसीव जो दिया गया है वो है 29/3/2020। तो काफ़ी कम टाइम है, जल्दी से इसको अप्लाई कर लें। डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगेंगे वो दिया गया है, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का दिया गया है, एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है, आप लोगों का मार्कशीट वगैरह सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज देना होगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट दिया गया है इफ एनी, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सब भी देना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या रहेंगे, 18 मिनिमम दिया गया है एज लिमिट और मैक्सिमम दिया गया है 63, उससे 63 बहुत ही ज़्यादा दिया गया है, 18 से 18 to 63 के अंदर में एज हो जाना चाहिए। उसके बाद इसको अप्लाई जब करेंगे तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, पोस्टल स्टाम्प 1 ₹5 का 60 के उसको भेजना पड़ेगा, जो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के आधार से इसका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो कोई एप्लीकेशन फी ऐसा नहीं दिया गया है, सिर्फ स्टाम्प का जो पोस्टल स्टाम्प साटना होगा ₹5 का टिकट वही दिया गया है यहाँ पे। और कहाँ भेजना पड़ेगा, कॉपी टू दिल्ली लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब एड्रेस देना होगा। नीचे आते हैं तो नीचे में हम लोग को फॉर्म मिल जाता है एग्रीमेंट बेसिस का, यहाँ पे इस फॉर्म को अच्छी तरह से प्रिंट आउट निकाल के भर के डॉक्यूमेंट में साथ में भेजना पड़ेगा। तो सैलरी तो बहुत ही अच्छी खासी है, वैकेंसी भी अच्छी खासी दी गई है, क्वालिफिकेशन कुछ खास नहीं है, मोटा मोटी मैं बता दूँ तो 10th के लिए दिया गया है, उसके बाद 12th के लिए दिया गया है, उसके बाद डिप्लोमा के लिए दिया गया है। BSc वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, BSc जो दिया गया है 12+ BSc वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ये नोटिस थोड़ा सा शॉर्ट है। हम लोग इसी तरह से जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकिन आते रहते हैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक अच्छे से जॉब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।